नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तेलंगाना इलेक्शन की, या इलेक्शन 2023 जो तेलंगाना में हो रहे हैं, तेलंगाना राज्य की और वहां के भी एक राजा की जिसका नाम है टी राजा। भाजपा वैसे तो पूरे समय अपने जो जहरीले कारतूस है उसको सुरंग में डाल कर रखती है कि भैया अभी तुम सुरंग में रहो और जब चुनाव आएंगे तभी तुम सुरंग से बाहर निकलना, क्योंकि चुनाव बिना चुनाव के अगर वह सुरंग से बाहर निकल गए तो वो ऐसा रायता फैलाएंगे कि चुनावों के समय बीजेपी उसको समेटने में पस्त हो जाएगी। जैसे अभी मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का रायता उनसे संभाले नहीं संभल रहा, हालांकि नेशनल मीडिया से वो मामला गायब है लेकिन सोशल मीडिया पर वह मामला बहुत तूल पकड़ा हुआ है। अब क्या है कि देखिए दर्शकों, जब चुनाव आते हैं तो चेले क्या, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति के नेता ही क्या, खुद मालिक ही जब ध्रुवीकरण करने में लग जाते हैं तो इनको भी निकाल लिया जाता है कि अब तुम भी आ जाओ, तुम कवर फायर देना मालिक को या मालिक तुमको कवर फायर देंगे, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा नफरत फैला दो समाज में, उतना ज़्यादा पूरे जो पूरा ये कह सकते हैं चुनावी कार्यक्रम या चुनावी कालखंड होता है इसको ध्रुवीकृत कर दीजिए, यानी कि हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व। और अगर आपको दर्शकों पता ही है कि किसी एक चीज को ऊपर उठाना है तो दूसरे चीज को तो नीचे गिराना ही होगा, तो यही काम टी राजा जैसे नेता बीजेपी के लिए करते हैं। अब टी राजा का इतिहास आप सभी लोगों को पता है कि वह किस रूप में मुस्लिम विरोधी बातें और सनातन और हिंदुत्व की रक्षा के नाम पर हिंदुओं को भड़काने और उकसाने की बात करता है। यानी अगर बीजेपी AIIM प्रमुख ओवैसी या उनके छोटे भाई को आड़े हाथों लेती है तो बीजेपी को अपने भीतर भी देखने की जरूरत है कि किस तरह के नेताओं को आप टिकट दे रहे हैं जो कि एक धर्म के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। सनातन क्या ये सिखाता है या हिंदुत्व ये सिखाता है? सनातन तो ये सिखाता है ना कि सर्वधर्म संभाव, सभी धर्मों के लिए समान भाव रखें, लेकिन ना ये जो कथा कथित भगवा के ठेकेदार बैठे हैं, सनातन के रक्षक बैठे हैं, ये पूरे समाज के ताने बाने को खराब करने में लग जाते हैं। टी राजा जैसे लोगों की भाजपा या किसी भी दल को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इसको आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि पैगंबर मोहम्मद जो मुसलमानों के लिए पूज्य हैं या मुसलमान जिनके सामने प्रार्थना या इबादत करते हैं उनके ऊपर टी राजा ने टिप्पणी गलत, विवादित या यूं कह लीजिए कि असहज करने वाली टिप्पणी दे दी थी, जिसके बाद टी राजा को पार्टी ने निलंबित कर दिया था। लेकिन चुनाव से ठीक पहले टी राजा को बुला लिया गया। दोस्तों, टी राजा जैसे नफरती लोग ऐसे हैं कि जो सनातन की मूल जो परंपरा है या सनातन का आधार है, महिलाएं, सर्वधर्म संभाव, वसुदेव कुटुंबकम, महिलाओं को सशक्त करना, उन्हें शक्ति मानना, सम्मान देना, ऐसे लोग सनातन के पूरे आधार को ही दीमक की तरह चट करने में लग जाते हैं। उनको इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि ये जो हमारी बातें हैं ये समाज में किस तरह का असर डालेंगी या समाज इससे क्या सीखेगा। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये भी जानना ज़रूरी है। सबसे पहले दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए और वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस तरह की भाषा का प्रयोग ये जो नफरती मशीन है या सनातन का स्वयंभू ठेकेदार है या भगवा का जो ठेकेदार है वो क्या कह रहा है और किस रूप में कह रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये वीडियो देखिए। हरामी मुसलमान, ये पाकिस्तानी मुसलमान सारे मुल्ले, मैं यहाँ के हिंदुओं को एक ऑफर देना चाहूंगा, खास करके मेरे नौजवानों को,
आपको फाइनेंशियली फिजिकली हर प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रैप, वैसे ही आपको पाकिस्तानी मुस्लिम लड़कियों को पटाना है। और वहां से तो दर्शकों आपने देखी वीडियो, वीडियो में किस तरीके से चिंटू राजा कह रहे हैं कि मैं हिंदू युवक को से इस बात का आह्वान करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों को या पाकिस्तानी मुसलमानों को पटाओ, जिस तरह की भी मदद, फाइनेंशियल मदद, फिजिकल मदद या दूसरा किसी भी तरह का जो मदद चाहिए होगी वो मैं देने को तैयार हूं। तो ये जो चिंटू राजा यानी कि टी राजा हैं, वह इस तरह की बातें करते हैं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी इन्होंने काफ़ी कुछ गलत कहा। देखिए, राजनीति में आप एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं लेकिन एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो सकते, लेकिन टी राजा जैसे लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो ये पूरी जो गतिविधियां हैं, उसके बाद दर्शकों एक वीडियो मैं और आपको सुनाना चाहूंगा, तो सबसे पहले आप एक ये वीडियो सुन लीजिए। ये चुनाव मेरी जिंदगी और मौत का चुनाव है और मैं मरने से नहीं डरता और ना ही किसी को मारने से मैं डरता हूं। सोच समझ कर कोई भी भाई गद्दारी करना, क्योंकि मेरे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। अब ये चुनाव में तेलंगाना की जनता के आशीर्वाद से अगर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट तेलंगाना में अगर बन गई तो ये ओवैसी किसके पैर पकड़ेंगे, किसके पैर पकड़ेंगे? ये चूहों को हम पैर पकड़ने नहीं देंगे, इन गद्दारों को तो हम देश के बाहर निकालेंगे। ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जो आतंकवादी का सपोर्ट करता है ऐसे आतंकवादियों से हम दोस्ती नहीं, इन आतंकवादियों को तो बहादुर हूरों के पास हम पहुंचाते हैं। इस चुनाव में हिंदुओं की पोलिंग बढ़नी चाहिए। इस चुनाव में पिछले बार के अगर दो चुनावों में भी हम देखेंगे तो हमारी वोट परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि हमारे जो वोटर है वो सोचते हैं कि भाई कैसा भी बीजेपी जीत जाएगी, हम क्यों जाकर लाइन में ठहरेंगे, हम क्यों जाकर धूप में खड़े रहेंगे। लेकिन उनकी सोच को आपको बदलना है, उनके विचारों को आपको बदलना है, उनको यह कहना है कि ये दुश्मन जो हमारी गौ को काटते हैं, लव जिहाद करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, ये दुश्मन 70,000 इनकी वोटों से गिनती होती है और हमारे गिनती जीरो से होती है, 18 से। और अब हम अभी तक का जो देखेंगे, माइनॉरिटी वोट बैंक बढ़ चुका है, 15,000 से 17,000 बोकसिंग वोटों को बढ़ाया गया है गोशामेल विधानसभा में, क्योंकि इन्होंने कैलकुलेशन किया 18 के चुनाव का कि 18 में माइनॉरिटी वोट दो जगह बटा इसलिए नुकसान हुआ, इसलिए अब माइनॉरिटी को वन सेट गिराना है। और गोशा महल में जो हरा झंडा है उसको लहराना है, उनका ये टारगेट है। इस विधानसभा को जीतने के लिए सिर्फ गोशा महल विधानसभा नहीं, भारत का माइनॉरिटी नहीं, पूरे वर्ल्ड का माइनॉरिटी आज पैसा भिजा रहा है कि किसी भी हाल में गोशा महल विधानसभा से राजा सिंह को हराओ। जब मैं जेल में था तो बहुत सारे पुराने शहर में लोग कहते थे कि हम सर कलम करेंगे, बेटा हमारी बकरे की गर्दन नहीं है हमारी, जो हमारी गर्दन तक तुम्हारी छुरी आ जाए, छुरी आने से पहले हम हाथ गायब कर देते हैं, छुरी आने से पहले हम हाथ गायब कर देते हैं। क्योंकि पिछले 10 सालों से मैं आपकी सेवा के लिए खड़ा हुआ हूं, जिहादियों के बीच में एक चट्टान की तरह मैं आपकी रक्षा के लिए और आपकी सेवा के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। तो ये चुनाव में भी हमने पूरी पकड़ बंद करके रखी है वहां पर कि कौन कहां से किधर फोन कर रहा है, कौन नेताजी नगर से बाहर जा रहा है, कौन जामबाग से किस गली से किस घर में जा रहा है, कौन किस होटल में बैठ रहा है। इलेक्शन के बाद उल्टा लटका दूंगा, बड़ी बात मैं बोल रहा हूं। ये लड़ाई धर्म की लड़ाई है और धर्म को जिताना है, अधर्मियों को हराना है, ये बात ध्यान रखना। तो दर्शकों आपने ये वीडियो सुना, इस वीडियो में टी राजा कह रहा है कि देखो कोई भी भाई गद्दारी मत करना, कोई भी ओवैसी से या इन गली मोहल्लों में मत जाना जहाँ पे मुसलमान बहुल हैं।
तो ये जो तमाम बातें ये जो टी राजा कर रहा है वो भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वह कह रहा है कि मैं ना मारने से डरता हूँ ना मरने से डरता हूँ। तो इस तरह की जो धमकियां हैं मतदान से पहले, तो क्या वह मतदाता को भी भय के माहौल में रखती है? तो ये जो तमाम बातें हैं टी राजा की, इस पर ना बीजेपी एक्शन लेती। कारण ये भी है कि बीजेपी ने तेलंगाना में तमाम कोशिशें अपनी की है, तमाम मुकम्मल प्रयास किए हैं, लेकिन हो वही रहा है ढाक के तीन पात वाली बात। बीजेपी के तमाम प्रयासों के बाद भी तेलंगाना में बीजेपी की दो से ज़्यादा सीटें नहीं निकल पाती है। तो ये बड़ा कारण है कि बीजेपी मजबूर है कि तेलंगाना में चलो जो सिटिंग विधायक है या जो सिटिंग विधायकों की सीट है वो तो निकले, विधायकों का एक रिप्रेजेंटेटिव तेलंगाना विधानसभा में तो पहुंचे। लेकिन सवाल यही बनता है कि आखिर इस तरह के नफरती मशीनों या नफरती नेताओं पर कोई भी दल एक्शन क्यों नहीं लेता? क्योंकि सभी दलों को ये पता है कि टी राजा जैसे लोगों के पास मसल पावर भी है और फाइनेंशियल पावर भी है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो टी राजा की है वो है उसका हिंदुत्व का कार्ड। टी राजा के एक आह्वान पे लाखों लाख लड़के इकट्ठे हो सकते हैं, जिसमें बीआरएस के कार्यकर्ता भी हैं। तो इसीलिए बीआरएस भी या चंद्रशेखर राव की पार्टी भी टी राजा पे किसी तरह का एक्शन लेने से बचती है। तो दोस्तों, आपकी नज़र में क्या होना चाहिए ऐसे नफरती बयान देने वाले नेताओं का, आप हमें ज़रूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।